जेठिया जेठिया, ये क्या किया तूने? अरे ये तूने क्या किया? कहाँ से लेकर आई ये फोटो? अरे पापा बता ना, आप क्या छुपा रहे हो? किधर, कुछ नहीं छुपाया मैंने। पीछे? पीछे किधर? बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या होगा? मेरे बेटे को भी पता चल गया है, वो क्या सोचेगा? दया, अरे लफड़ा किया तो किया, फोटो भी खींचा ली। देखो दया, बोले देखो दया, अब क्या दिखाना बाकी रह गया है? अरे तुम क्या ये ऐसे ये स्टैचू बन के खड़ी हो, देख रही हो तुम्हारी वजह से मेरे घर में क्या क्या हो रहा है? अरे अभी तो सच सच बता दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, अब तो सच सच बता दो। मैंने तो सबको सच सच बता ही दिया, बस आपको सबके सामने हमारा रिश्ता मानना है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे टीटी स्वीटी, अरे ये इंसान के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और बापूजी मैंने इनके लिए गर्मा गर्म फुलका रोटी बनाई, इनको पूरन पोली खिलाई, इनके फटे हुए कपड़े सिए, और बारिश में कीचड़ वाले कपड़े भी मैंने अपने हाथों से साफ किए, और ये कीचड़ कौन साफ करेगा अब? और मेरा नहीं तो मेरी माँ का तो सोचा होता। गाँव में सब लोग क्या कहेंगे पता है? देखो देखो वो लफड़े बाज जबाई की सांस जा रही है। लेकिन मैं लफड़े बाज नहीं हूँ दया। मम्मी, दादाजी, मैं पापा के साथ हूँ। वाह वाह मेरा बेटा, वाह वाह, देख देख दया, सीख कुछ बच्चे से सीख। दादाजी ये फोटो देख के ऐसे ही लगता है कि ये आंटी सच बोल रही है। हैं? क्या बोल रहा तू? हाँ पापा, ये फोटो देख के मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से मैं ये आंटी को छोटी माँ कहूंगा। टप्पू ये तू क्या बोल रहा है? हाँ दादाजी मैं सच बोल रहा हूँ, ये देखो कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है। बोलो, इसने तो अभी मैरिज ब्यूरो चालू कर दिया है। भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? अरे टप्पू ये तू सब क्या बोल रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी दादाजी मैं आपको समझाता हूँ, यांटी कितनी मॉडर्न है और मेरी मम्मी कितनी सीधी साधी। पापा मुझे मॉडर्न मम्मी चलेगी। लेकिन मुझे नहीं चलेगी, उसका क्या? टप्पू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये दादाजी। हाँ जेठा, तेरी सजा यही है कि तू इस भोली भाली नादान लड़की को अपना ले। क्या? हाँ, इससे तू शादी कर ले। माताजी, बापूजी ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे देवता जैसे ससुर भी इसके साथ हो गए। देख बहू, अगर टप्पू को ये नई मम्मी पसंद है तो जेठा को उससे शादी करनी ही होगी। अरे लेकिन फिर मेरा क्या होगा? देख बहू, मेरा तो ये मानना है कि तुम दोनों इस घर में बहनों की तरह रहो, और अगर तुझे नहीं रहना है तो अपनी माँ के पास चली जा। बापूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे पापा इतनी मॉडर्न मम्मी, सोचो स्कूल में मेरा कितना वर्ड पड़ेगा। हाँ, और मैं भी ये दया के हाथ की रोज रोज ये दाल रोटी खा के थक गया हूँ। अब ये नई बहू आई है तो वो भी बनाएगी ना मेरे लिए वो सब, वो क्या होता है टप्पू, वो बैगर बर्गर। दादाजी बर्गर? हाँ हाँ वही वही। क्यों छोटी बहू, बनाएगी ना मेरे लिए? मैं? हाँ मुझे होमवर्क भी कराओगी ना? मैं? हाँ मुझे स्कूल भी छोड़ने आओगे ना? मैं? अरे ये बकरी की तरह क्या मैं लगा रखा है। सुन, आज से ये पूरे घर की जिम्मेदारी तेरी।
बेटा तू शादी की तैयारी कर, मैं त्रम्बक मानस को बुला के आता हूँ। रुकिए बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तू फिक्र मत कर छोटी बहू, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन बाबूजी ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। लेकिन बाबूजी ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये शादी? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तू जेठा को बोल रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सबके सामने अपना लो, अभी हम सब लोग तुझे अपनाने के लिए तैयार है, तो तू ना बोल रही है? अगर तुझे शादी करनी ही नहीं थी तो यहाँ आई क्यों? बोल, बता। आज बताती है कि पुलिस को बुलाऊं? नहीं, मैं सब सच सच बताती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आई थी। अच्छा, और तेरा और जेठा का क्या रिश्ता है? नहीं, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तेरे पास तो है ना ये सबूत फोटो? वो फोटो झूठी है, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। माफ कर दीजिए? ऐसे कैसे माफ कर दीजिए? तूने मेरा पूरा संडे बिगाड़ा है। अरे संडे क्या, तू तो मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ने वाली थी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी वापस। ठीक है, नहीं बुलाता हूँ, चल निकल 10 लाख रुपए। बेटा ये तू क्या बोल रहा है? ये संस्कार दिए है मैंने तुझे? नहीं बापूजी, ये संस्कार इसने मुझे दिए। क्या? अंदर मुझे बेडरूम में ये मुझे मांग रही थी, कह रही थी 10 लाख मुझे दे दो तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, ऐसा बोल रही थी ये। क्या बबूचा, तो तेरे में और इसमें फर्क क्या? बापूजी ये लेडीज है, मैं जेंट्स हूँ। चुप रे। अरे ऐसे किसी के संसार में आग लगाना कोई अच्छी बात है, है? ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए तूने ऐसी ओछी हरकत की? बापूजी आप मत समझाइए, ऐसे लोगों को तो पुलिस ही बराबर समझा सकती है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पापा आप चिंता मत करो, इसे सबक सिखाने का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। अभी रिटायर रिपोर्टर आती होगी, उसे मैंने फोन पर सब बता दिया है। कहाँ है वो फ्रॉड लड़की? आंटी ये रही। नमस्कार, मैं हूँ रिटायर रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कल तक लाइव न्यूज। ध्यान से देखिए इसे, ये सुंदर दिखने वाली लड़की दिल की कितनी काली है। ये मासूम चेहरा आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आपसे पैसे ऐंठ सकता है। सावधान, देख लीजिए इस चेहरे को, ये आपको फंसा सकती है, आपको फंसा सकती है। अरे मुझे तो फंसाया ही है। तो आपको फंसा सकती है। प्लीज प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मैं कसम खाती हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज। ए रीटा, ये मेरा बंद करवा दे। या भाई तू निकल, चल रीटा, जाने दे उसे, जाने दे, जाने दे। मैडम सुनिए, आप कहाँ जाएंगी अभी? टप्पू बेटा, तेरा मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, आज तूने अपने पापा को बचा लिया। एक तू ही था जिसने मेरी बात पे भरोसा किया, विश्वास किया, ताकि किसी को मेरी बात पे भरोसा नहीं था। लेकिन टप्पू तुझे पता कैसे चला कि वो लड़की झूठ बोल रही थी? पापा ये फोटो देख के। क्या? हाँ पापा, ऐसी सेम टू सेम फोटो मेरी और आपकी भी है, ये देखिए। अरे हाँ, ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है। लेकिन पापा अपना फोटो ओरिजिनल है। पापा ये आंटी ने कंप्यूटर की मदद से मेरी जगह अपने आप को फिट कर लिया। ले, कंप्यूटर में ऐसा भी हो सकता है? हाँ दादाजी, कंप्यूटर की मदद से आपके सिर पे बाल उगा सकता हूँ और पापा को गंजा बना सकता हूँ। लेकिन टप्पू तूने बापूजी को कब अपने साथ ले लिया? अरे मम्मी आपको मेरी और दादाजी की दोस्ती नहीं पता, बस एक इशारा किया और दादाजी समझ गए। और तुम्हारे पापा ने मुझे इशारा ही नहीं, चिल्ला चिल्ला कर समझाया, पर मैं डोबी कुछ समझी नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ओ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जा जाकर जेठा को मना ले। सुनिए मैं आपसे, हाँ कुछ गड़बड़ है यार। वाह,
कुछ तो बात है यार, चला पूछते हैं बात क्या है। तू पूछ। ओए तू पूछ। क्यों डरते हो उससे? ओए मैं, चला बात कर दे। जेठालाल और जेठालाल, ये स्टॉक मार्केट कब ऊपर उठेगा यार? तुमको मैं क्या स्टॉक मार्केट उठाने वाला हमाल लगता हूँ? भाई बहुत परेशान लग रहे हो, बात क्या है? मैं अमेरिका का इलेक्शन हार गया ना इसलिए। वो तुसी गोकुल धाम सोसाइटी में रहकर इलेक्शन लड़के आए थे, वो भी अमेरिका? मेरी भूल हो गई जो मैंने मेरे स्वामी पर शक किया। मुझे माफ कर दीजिए ना। मेरी गलती हो गई, मैंने मेरे राम जैसे पति को मामा शकुन नहीं समझा। मैं अपने आप को श्राप देती हूँ, मैं जो भी कपड़े धोऊं वो मैले रह जाए, जो भी खाना बनाऊं वो जल जाए। ये दया श्राप अपने आप को दे रही है या हमको? अब बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलिए ना। क्या बोलूं दया, मैं क्या बोलूं? तुमने मुझ पे शक किया, मुझ जैसा सीधे आदमी पे। मैं कितना सीधा तुमको मालूम है ना, घर से दुकान, दुकान से घर, और आजू बाजू किधर नजर भी नहीं डालता हूँ। अरे तो कब से कह तो रही हूँ कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, पर आप है कि कब से हाँ हाँ करते रहते हो। सोड़ी। हाँ सोड़ी, क्या है सोड़ी? ओ चाचा जी। कीड़े अंकल, सोड़ी अंकल, ये आप लोग क्या देख रहे थे? वही जो हो रहा है। क्या हो रहा है बाबा जी का बाइस्कोप है क्या भाई? ये दूसरों के मामले में ताक जाक करना बहुत बुरी बात है। चाचा जी मैं वही बोल रहा था सोड़ी को। क्या सोड़ी तुम भी चलो। अच्छा, आज के बाद मैं आप पर कभी भी शक नहीं करूंगी, टप्पू की कसम। नहीं नहीं अगल, टप्पू की कसम खाने की जरूरत नहीं है। तो आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ सच ना? हाँ। अरे रोको 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 रोको। अरे सुंदर मेरे भाई। क्यों बदमाश, लफड़ेबाज, रंगीला? अरे आपको ही बोल रहा हूँ चालू चीचा। बेना तू फिकर मत कर, देख मैं अपने साथ वकील को लेकर ही आया हूँ। अरे नहीं मीरा नहीं, खबरदार जो अपने देवता जैसे जीजा जी के बारे में कुछ बोला तो। बेना तू इनके दबाव में आकर तो नहीं बोल रही है ना? नहीं। देख मैं ना, मैं तुझे और माय डियर टप्पू को यहाँ से अहमदाबाद ले जाने के लिए आया हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेना मैं अपनी अर्जेंट मीटिंग छोड़ के अहमदाबाद से सीधा फ्लाइट में आया हूँ, ये जीजा जी की वजह से। क्या? हाँ, और उसका बिल भी मैं आपकी दुकान पर भिजवा दूंगा। क्यों बेना मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, यहाँ आए हो तो खाना खाकर तो जाओ। नहीं बेना मैं बहुत जल्दी में हूँ। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ। नहीं नहीं, तुम जा ही रहे हो ना तो माँ को बताना कि अपने दामाद पर गर्व करना चालू रखे, वो लपड़ेबाज नहीं है। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा चलता हूँ माय डियर जीजा जी। चलो वकील साहब, 20 बार केस नहीं बना, चलो 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 भाई चलो, ले लो एयरपोर्ट पे ले लो, चलो भाई संभल कर जाना हो मीरा। हाँ बेना। और अहमदाबाद पहुँच कर फोन कर देना। हाँ, और टप्पू को मेरी ओर से एक किस दे देना। हाँ हाँ।
अरे बबीता जी आप इधर। हम लोग इधर ही रहते हैं जेठालाल, ऊपर। मेरा मतलब है कि ये टाइम पे किस तरफ चली आपकी सवारी? हम लोग जरा मूवी देखने जा रहे हैं। पिक्चर? जी। कौन सा? घर वाली से अच्छी बाहर वाली। आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मतलब मैंने भी वो पिक्चर नहीं देखा है, चलो मैं भी चलता हूँ। लेकिन जेठालाल, हमारे पास में सिर्फ दो ही टिकट हैं। अच्छा, तभी आप क्या करेंगे? क्या मतलब है आपका? अरे क्या 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 कर रहे हैं? ये तो मजाक कर रहे हैं। आप दोनों शांति से पिक्चर देखने जाओ, ये तो अभी मेरे साथ घर पर आएंगे, खाना खाएंगे, एसी चालू करके आराम से बेडरूम में सो जाएंगे। हम लोगों को लेट हो रहा है ना? ओके बाय। चलिए। हाँ चल घर पर। चलिए। ये सारी कहानी सुनने और देखने के बाद एक बात तो तय हो गई, किसी ने ठीक कहा है कि प्रेशर कुकर कितना ही पुराना हो जाए सीटी मारना नहीं छोड़ता। बच तो गए जेठालाल, लेकिन मन ही मन सोच रहे होंगे, सोचना चाहिए भी, कि वक्त कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हमें अपने आप को संभालना चाहिए। क्योंकि हमारे भीतर अगर एक चीज है तो वो बाहर सब कुछ अच्छा करेगी। हमारे भीतर होनी चाहिए नैतिकता। अगर ये नैतिकता जिंदा रही तो बाहर आसपास सब कुछ अच्छा होगा, और बाहर सब कुछ अच्छा हो यही तो हम चाहते हैं, और इसीलिए हम आपको हंसाते हैं और कहते हैं कि देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।